नमस्कार, मैं देवयानी, इन बीसीएन में आपका स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले डालते हैं नजर हेडलाइंस पर। अंशुल जी हत्या की गुत्थी सुलझाने में गिट्टी कथान पुलिस को मिली सफलता। नरेंद्र नेताम की हत्या के 4 आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। स्पैनको की लापरवाही का खामियाजा भुगतना पड़ा युवक को अपनी जान गंवाकर। रास्ता रोको आंदोलन कर परिसर वासियों ने जताया रोष। और शहर में सड़क दुर्घटनाओं में हुई वृद्धि। 2 दिन के भीतर हुए 3 सड़क हादसों में 1 की हुई मौत और 3 गंभीर रूप से जख्मी। अब खबरें विस्तार से। गिट्टी कथान पुलिस ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए एक हत्या की गुत्थी को सुलझा लिया है। 20 तारीख की रात हुई नरेंद्र नेताम की हत्या की वारदात में पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। 20 तारीख की रात गिट्टी कथान थाने के हद में हुई नरेंद्र नेताम की हत्या की गुत्थी को आखिरकार पुलिस ने सुलझा ही लिया। इस वारदात में आरोपियों ने कोई भी सुराग नहीं छोड़ा है। मिली जानकारी के अनुसार 21 तारीख की सुबह जगदीश नगर परिसर के सुनसान इलाके में एक शख्स की पत्थर से कुचली हुई हालत में लाश पाई गई थी, जिसके बाद इसके परिजनों ने मृतक के पांव के चप्पल से उसकी शिनाख्त की थी। पुलिस ने इस वारदात में आगे की कार्रवाई करते हुए उसके परिचितों से छानबीन शुरू कर दी, लेकिन किसी भी प्रकार की सफलता पुलिस के हाथों नहीं लग पाई, जिसके बाद पुलिस ने गुप्त सूत्रों से जानकारी हासिल कर 2 आरोपियों को हिरासत में लिया। कड़ी पूछताछ के दौरान इन आरोपियों ने अपना गुनाह कबूल कर लिया है। इस वारदात में सामने आई सच्चाई ने पुलिस के पैरों तले जमी ही खिसका दी। दरअसल 20 तारीख की रात नरेंद्र जगदीश नगर इलाके से गुजर रहा था। इस दौरान उसने इन दोनों से शराब की दुकान का पता पूछा। इन आरोपियों ने जब नरेंद्र को पता बताया तो नरेंद्र ने इनको पास के एक दुकान से सिगरेट लाने की जिद की, जिस पर ये दोनों युवक नरेंद्र पर भिड़ गए और उसको धक्का मारकर गिरा दिया। लेकिन नरेंद्र उठकर हम पर वार करेगा, इस बात से घबराकर इन आरोपियों ने शराब के नशे में धुत नरेंद्र की गमछे से गला घोटकर हत्या कर दी। 2 मुख्य आरोपी है, जिसका नाम है एक नितिन उर्फ जीतू, शंकर तीसरा, उम्र 22 साल, रहना मकरदोखड़ा, तथा राजा उर्फ देवा खंडा थे, उम्र 19 साल, रहना मकरदोखड़ा। ऐसे 2 मुख्य आरोपी दिनांक 19 तारीख को जगदीश नगर के चर्च के सामने खुले मैदान में दारू पीते हुए बैठे थे। मृतक यह रविनगर के अग्नि कंस्ट्रक्शन जो कंपनी का जो साइट चालू है फ्रेंड्स कॉलोनी में, वो साइट पर आया था और हमेशा आना जाना है उनके मालक के साथ में। ड्राइवर होने की वजह से घर लौटते वक्त वो खुले मैदान से जाते वक्त ये 2 बैठी हुई लोगों से उन्होंने पूछा कि भाई दारू कहाँ मिलती है, तो उन्होंने बताया कि भाई नीचे मिलती है। और इस पर से उसने बोला कि भाई सिगरेट ला के देते क्या, तो इसने बोला कि भाई तुम्हारा नौकर है क्या। इस पर से उनकी बाचाबाची हुई, बाचाबाची होने पर गच्ची पकड़ हुई और फिर इस पर से उसने गच्ची पकड़ा तो इन्होंने भी गाली गलौज किया, तो गाली गलौज पर से इनका झगड़ा हुआ। दूसरे आरोपी ने साथ वाले ने राजा ने उसके छाती पर लात मारने की वजह से नीचे गिरा। नीचे गिरने की वजह से अब इनको लगा कि भाई ये जो मृतक है ये दष्ट पुष्ट होने की वजह से अपने को भारी गिरेगा। इस वारदात में मृतक की शिनाख्त को छुपाने के लिए आरोपियों ने उसका चेहरा पत्थर से कुचल दिया, साथ ही उसके कपड़े भी उतार कर फेंक दिए। इसके बाद इन दोनों ने हिंगन घाट में मृतक नरेंद्र की मोटरसाइकिल को छिपा दिया। छिपाने से पहले इन दोनों ने मोटरसाइकिल के पहिए भी निकाल दिए और गाड़ी को एक सुनसान कुएं में फेंक दिया। इसलिए उसके गले में जो लाल गमछा था वो लाल गमछे से दोनों ने मिलकर उसको यानी ये किया गला दबाया, तो उसके वजह से वो नीचे गिर गया। इनको लगा कि ये मर गया, अब क्या करना, आइडेंटिफाई हो सकता है, पहचान हो सकती है, इसलिए एक पत्थर नज़दीक का पड़ा हुआ पत्थर उठा के उसके ऊपर सर पर मार दिया। अब क्या करना, कपड़े से भी पहचान हो सकती है, तो इन्होंने बदन में का शर्ट, मृतक के बदन में का शर्ट और तथा पहना हुआ फुल पैंट ये भी निकाल लिया और उसकी जो मोटरसाइकिल थी वो मोटरसाइकिल लेकर दोनों वहाँ से निकले। काटोल रोड के पास में एक नाला है, वहाँ नाले के पास में मृतक के कपड़े उन्होंने फेंक दिए। वहाँ से सीधे वहाँ पर गए तुम्हारे वाड़ी में, एक पेट्रोल पंप पर पेट्रोल भरे और तुम्हारे क्या बोलते हैं एक होटल पर खाना खाए और सीधे हिंगन घाट में गए। हिंगन घाट में नितिन के रिलेटिव रहते हैं शालिक राव, उनके पास उन्होंने गाड़ी दे दी है।
और भाई ये गाड़ी रखो करके, नंबर प्लेट लगी हुई नहीं थी, नंबर प्लेट के बारे में अभी तपास जारी है, लेकिन नंबर प्लेट लगी नहीं थी। और उन्होंने क्या किया कि फिर इनको लगा, वो रिलेटिव होने की वजह से इनको लगा कि भाई ये मोटरसाइकिल कैसी कहाँ से बला ला लिया, कहाँ से ला लिया। तो उनके शालिक का एक साला है जिनका नाम, गौरतलब रहे कि इस वारदात में आरोपियों की ना ही पहचान थी और ना ही कोई पुरानी रंजिश, जिसके चलते पुलिस को आरोपियों तक पहुंचने में काफी दिक्कत उठानी पड़ी थी। बावजूद इसके पुलिस ने अपने कार्रवाई को काबिले गौर साबित करते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल कर ली। आरोपियों में नीतीश कुशराम और राजा खंडाते और उसके 2 साथी बताए जा रहे हैं। गिट्टी खदान पुलिस इस मामले में आगे की जांच कर रही है। कैमरामैन सनी भोंगड़े, NBCN न्यूज के लिए। गोलीबाग चौक परिसर में शुक्रवार की दोपहर एक युवक पर स्पैनको की लापरवाही के चलते बिजली का खंभा गिर गया, जिसके चलते युवक की घटना स्थल पर ही मौत हो गई। मृतक का नाम 28 वर्षीय नरेश राम टेककर बताया जा रहा है। बहरहाल इस घटना के बाद इस परिसर में तनावपूर्ण स्थिति बन गई है। शुक्रवार को शहर के अग्रसेन चौक पर दोपहर के वक्त युवक के सिर पर बिजली का खंभा गिर जाने से उसकी मौत हो गई और परिसर में तनावपूर्ण स्थिति पैदा हो गई। मिली जानकारी के मुताबिक स्पैनको की ओर से अग्रसेन चौक पर मरम्मत का काम किया जा रहा था, जिसके लिए एक बिजली के खंभे को रस्सी से बांधकर उठाया जा रहा था, लेकिन उसी वक्त रस्सी टूट गई और बिजली का खंभा पास ही खड़े 28 वर्षीय नरेश रामटेकर के ऊपर गिर गया और उसकी घटनास्थल पर ही मृत्यु हो गई। परिसर वासियों की माने तो स्पैनको की लापरवाही के चलते ही ये दर्दनाक हादसा हुआ है। नरेश रामटेक, हरिचंद रामटेकर, ये आदमी यहाँ पे हादसा होकर गुजर गया। कैसा हादसा हुआ ये? ये इनका MBCP का काम चालू था, इनके 14-15 आदमी थे, इनका काम था क्या नहीं? तो ये पुल का कैसे गिरा? पुल तो इनके हाथ में था, वो आदमी तो अपने साइड में खड़ा था, फिर इनकी गलती है ना। वो तो वो कहा है अभी? वो उनके साथ होंगे, कहा भागे तो नहीं, जो जिनके आगे वो गिरा, पोल गिरा, वो कहा है? वो मेहू में है, वो आदमी गुजर गया। गलती भले ही किसी की भी हो, लेकिन इस गलती का खामियाजा नरेश के परिवार वालों को भुगतना पड़ेगा। कैमरामैन इरफान खान के साथ पंकज पांडे, NBC न्यूज, नागपुर। स्पैनको कर्मचारी की लापरवाही के चलते सपाटे चौक परिसर में एक 28 साल के व्यक्ति की मौत हो गई, जिसको लेकर जनता में आक्रोश फैल गया और गुस्से में आहत होकर लोगों ने गोलीबार चौक पर जमकर रास्ता रोको आंदोलन किया। साथ ही टायर जलाकर स्पैनको कंपनी के खिलाफ अपना गुस्सा भी जाहिर किया। नागपुर स्थित गोलीबार चौक परिसर में स्पैनको बिजली वितरण कंपनी के कर्मचारियों की लापरवाही के चलते एक 28 साल के शख्स की मौत हो गई। मृतक हनुमान मंदिर निवासी नरेश रामटेकर बताया जा रहा है। नरेश अपने परिवार का एकलौता सहारा था। मिली जानकारी के अनुसार गोलीबार चौक के सटीक सपाटे चौक में पिछले कई सालों से एक बिजली का खंभा गिरने की हालत में खड़ा था, जिसको निकालकर दूसरा लगाने के लिए स्पैनको के कर्मचारी सपाटे चौक में आए थे, लेकिन इसी दौरान जनता की सुरक्षा को नजरअंदाज कर इन कर्मचारियों ने अपना काम शुरू कर दिया, जिसके चलते इनकी असावधानी और लापरवाही से ये बिजली का सीमेंट से बना खंभा सीधा नरेश पर जाकर गिरा। इस हादसे में नरेश की सिर पर गहरी चोट आई, जिससे उसकी दर्दनाक मौत हो गई। तो मैं बोला झगड़ा उनसे, अच्छा मैंने सॉरी बोला उनको, मैं चलेगा विकास बाबू गया, विकास बाबू बोला मैंने, विकास बाबू बात करता बोले तो फोन पर चालू था उनका ला, तो काम करने रोकने काम खाली नहीं थे, उनने आकर अपने काम अलगर्जी बना लिए, 2 जन रस्सी पकड़ के थे खाली, जब पोल को 6-8 जन लगते, उनने मेरे सुने नहीं, वो पोल सीधा गिरने का, तो उनने अपने अलगरी बने से राइट जाकर, लड़का बैठा था, मेरा दोस्त बैठा, मेरा भाई, मेरा साला बैठा था, उनने वहाँ पर गिरा, उनने वही उनके पूरे अलगरी बने काम थी, उनने भयबाजी कर रहे थे हमारे से, मेरे से भयबाजी किया उनने 2 बार, मैंने समझाने बाद में नहीं समझे वो लोग। किस प्रकार की कार्रवाई चाहेंगे आप? 302 मैं तो कार्रवाई चाहूंगा उन पर पूरी कार्रवाई हो, और मेरी साला जब मेरे साली भी कोई नहीं है, मेरी लड़की है, बच्चा है, बस उनकी भरपाई करके दो, तो जिंदगी भर खुश रहे। इस वारदात को लेकर जनता में क्रोश फैल गया और देखते ही देखते लोगों ने रास्ता जाम कर रास्तों पर टायर जलाकर अपना गुस्सा जाहिर किया। बहरहाल नागपुर की जनता स्पैनको बिजली वितरण कंपनी के गलत कार्यप्रणाली से परेशान हो चुकी है और इस हादसे को लेकर स्पैनको के अधिकारियों पर कड़ी कार्रवाई करने की मांग की गई है। सनी भोंगाड़ी की रिपोर्ट, NBCN न्यूज के लिए। बलात्कार के फर्जी मामले में फंसाने की धमकी देकर प्रेमी जोड़े से सीताबड़ी थाने की महिला उप निरीक्षक और सिपाही द्वारा हफ्ता वसूली किए जाने का मामला सामने आया है और इस मामले में पुलिस आयुक्त KK पाठक के आदेश पर महिला उप निरीक्षक और सिपाही के खिलाफ सीताबड़ी थाने में हफ्ता वसूली का मामला दर्ज किया गया है। बलात्कार के फर्जी मामले में फंसाने की धमकी देकर प्रेमी जोड़े से सीताबड़ी थाने की महिला उप निरीक्षक और सिपाही द्वारा वसूली किए जाने का मामला सामने आया है। इस प्रकरण से पूरे नागपुर पुलिस में खलबली मची हुई है।
महिला उप निरीक्षक सोनाली वंगाटे तथा सिपाही विष्णु खेड़ेकर है। दोनों पर मामला दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। नागपुर की क्राइम ब्रांच आगे की जांच कर रही है। पीड़ित छात्र नागपुर के VNIT कॉलेज का पूर्व छात्र है और छात्रा इसी कॉलेज में अंतिम वर्ष में अध्ययनरत है। क्रिसमस की छुट्टियों में दोनों पचमढ़ी घूमने गए थे। रात 9 बजे वहां से नागपुर के लिए रवाना हुए। कल सुबह 4 बजे ST स्टैंड पहुंचे। उन्हें VNIT छात्रावास जाना था। कोई साधन नहीं मिलने से दोनों पैदल ही रवाना हो गए। अलंकार टॉकीज चौक पर सीताबर्डी थाने की गश्ती वाहनों की दोनों पर नजर पड़ी। वाहन में महिला उप निरीक्षक सोनाली वंगाटे और सिपाही विष्णु खेड़ेकर थे। वंगाटे तथा विष्णु प्रेमी जोड़े से पूछताछ करने लगे। प्रेमी जोड़े ने पचमढ़ी से आने का हवाला देते हुए VNIT छात्रावास जाने की जानकारी दी। उन्होंने प्रेम संबंधों का हवाला देते हुए जल्द ही शादी करने की बात कही। सोनाली वंगाटे और विष्णु खेड़ेकर दोनों के सामान की तलाशी लेने लगे। वंगाटे छात्रों को पचमढ़ी में शारीरिक संबंध बनाए जाने के संबंध में सवाल जवाब करने लगी। उसने छात्रा को बलात्कार का मामला दर्ज होने की आशंका जताते हुए मेडिकल जाँच के लिए तैयार रहने को कहा। उसने छात्रा और उसके प्रेमी को परिजनों के मोबाइल नंबर बताने को कहा। उन्हें बताया कि परिजनों को बुलाने के बाद ही आगे की कार्रवाई की जाएगी। उनके बर्ताव से प्रेमी जोड़ा घबरा गया। वह सोनाली वंगाटे तथा विष्णु से छोड़ने की याचना करने लगे। ये कल सुबह दो स्टूडेंट थे जो बाहर गांव से आए थे और आने के बाद पुलिस ने उनको इंटरोगेट वगैरह किया तो फिर बाद में कुछ गलत तरीके से कुछ इंसिडेंट वहां पर हो गया और उन्होंने कुछ उनको किसी क्राइम में फंसाने की तो कोशिश की, उनको ये किया और उनसे पैसे ऐट ले और उसके वजह से फिर पुलिस ने उसकी पूरी इंक्वायरी करके उनके ऊपर तो गुनाह दाखिल कर दिया। सर ये भी कहा जा रहा है कि कुछ पैसे ऐटे फिर उनको ATM ले गए, वहाँ से भी कुछ पैसे निकलवाए, कितने पैसे निकलवाए और इस बारे में क्या अधिक कैसे किया? 4,000 के करीब पैसे निकाले गए और उनके खिसे में कुछ 500 रुपये थे वो भी निकाले गए। सर आरोपी कौन है, उनके बारे में क्या जानकारी और कहाँ लोग अभी? ये पुलिस स्टेशन तो बर्थडे से अटैच थे। ये एक WPS महिला तो पुलिस उप निरीक्षक थी और एक ड्राइवर था। पुलिस उपायुक्त कैलाश कंसे ने बताया कि दोनों पुलिस कर्मी ने छात्र और छात्रा को रोककर फर्जी मामले में फंसाने की धमकी देकर बदले में दोनों प्रेमी जोड़े से रुपए मांगने लगे। विष्णु खेड़ेकर ने छात्र की तलाशी ली, उसे 500 रुपए मिले। विष्णु ने 500 रुपए लेते हुए और 10,000 की मांग की। उसने खुद को बाहरी बताते हुए रुपयों का प्रबंध करने में असमर्थता जताई। सामाजिक प्रतिष्ठा से चिंतित छात्रा घबरा गई। PI सोनाली वंगाटे को तलाशी के दौरान छात्रा के पास ATM कार्ड होने का पता चल गया था। उसने छात्रा को ATM से रुपए निकालने को कहा। बदनामी के भय से छात्रा विरोध नहीं कर पाई। वंगाटे तथा विष्णु प्रेमी जोड़े को लॉ कॉलेज चौक स्थित ATM पर ले गए। वहां रुपए निकालने के बाद दोनों को मुक्त कर दिया। उन्होंने दोपहर को पुलिस आयुक्त KK पाठक से भेंट की। पुलिस आयुक्त ने प्रकरण को बेहद गंभीरता से लेते हुए अपराध शाखा के उपायुक्त सुनील कोल्हे को पड़ताल के निर्देश दिए। आरंभिक जांच में ही सच्चाई पता चल जाने से पुलिस आयुक्त ने मामला दर्ज कर आरोपियों को गिरफ्तार करने के निर्देश दिए। देर रात सीताबर्डी पुलिस ने दोनों को हिरासत में ले लिया। महिला उपनिरीक्षक सोनाली वंगाटे परिवीक्षाधीन अधिकारी है। पुलिस सेवा के पहले साल में ही इस तरह का कृत्य किया जाना बेहद आश्चर्यजनक है। इसी वजह से पुलिस आयुक्त ने घटना को बेहद गंभीरता से लिया है। महिला उपनिरीक्षक वंगाटे और सिपाही विष्णु को हिरासत में ले लिया गया। कैमरामैन नितिन तेलगुले NBC न्यूज के लिए। 15 दिन पहले नंदनवन थाने के हद में आने वाले भांडेवाड़ी इलाके में एक शख्स की गला घोटकर हत्या कर दी गई थी। इस वारदात में मृतक की शिनाख्त अभी तक नहीं हो पाई है। नंदनवन पुलिस ने जनता से अपील की है कि जिस किसी भी शख्स को इस मृतक की जानकारी है तो नंदनवन पुलिस से वो आकर संपर्क कर सकते हैं। नंदनवन थाने के हद में आने वाले भांडेवाड़ी चौक परिसर में करीब 15 दिन पहले एक शख्स की गला घोटकर हत्या कर दी गई थी। इस वारदात में इतने दिन बीत जाने के बावजूद अब तक मृतक शख्स की शिनाख्त नहीं हो पाई है। इसके गले में लिपटे बेल्ट से अंदेशा लगाया जा रहा है कि इसकी पट्टे से गला घोटकर हत्या कर दी गई है। ये साधारणतः 20 से 25 के बीच में है। ऊंचाई साधारणतः 5 फुट 10 इंच 11 इंच ऐसी है और उसके शरीर में एक कत्थे रंग का नया शर्ट और नई ब्लू जीन्स है, वॉयलेट रंग का शर्ट है और नई ब्लू जीन्स है, साधारण रंग गोरा है उसका। और विशेष ऐसा है कि उसका शायद उसके या आरोपी के कमर में जो बेल्ट बांधते हैं उससे गला घोटकर हत्या की गई है और उसके सिर पर भी एक गहरी जख्म है। हमने आजू बाजू के पूर्ण इलाके में राजनांदगांव, बालाघाट, वर्धा, अमरावती, अकोला, भंडारा, गोंदिया सब जगह पर इस मृतक की फ़ोटो भेजी है।
लेकिन आज तारीख तक ये मृतक की पहचान नहीं हो पाई है। इसी वजह से हमारी आगे की प्रक्रिया को भी थोड़ा सा उतना बल नहीं मिला है। तो आप लोगों से निवेदन है कि कृपया इस जो फोटो अभी दिखाई जाएगी टीवी पे, उस द्वारा अगर इस व्यक्ति की पहचान होती तो कृपया पुलिस को, नंदनगढ़ पुलिस को कृपया इत्तला दे, ताकि पुलिस को और व्यवस्था को इसमें उसकी मदद मिल सके। पुलिस विभाग इस व्यक्ति की पहचान में बालाघाट, एमपी और छत्तीसगढ़ तक का इलाका छान चुकी है, लेकिन अब तक पुलिस इसके बारे में कोई भी जानकारी हासिल नहीं कर पाई है। पुलिस ने जनता से अपील की है कि इसकी पहचान करने के लिए या इस व्यक्ति के बारे में कोई भी जानकारी होने पर नंदनवन पुलिस से संपर्क करें, ताकि इस व्यक्ति के कातिलों तक पहुंचने में पुलिस को कामयाबी मिल सके। सनी भोंगाडे, एनबीसी न्यूज के लिए। अमेरिका में भारतीय राजनयिक देवयानी खोबरागड़े के खिलाफ की गई कार्रवाई की राष्ट्रीय स्तर पर निंदा हो रही है। गुरुवार को शहर के संविधान चौक पर कुछ संगठनों ने अमेरिका के खिलाफ प्रदर्शन किया। इस दौरान संगठनों ने मांग की है कि देवयानी के खिलाफ दर्ज मामले तत्काल वापस लिए जाए। अमेरिका में भारतीय राजनयिक देवयानी खोबरागड़े के खिलाफ कार्रवाई किए जाने के खिलाफ राष्ट्रीय स्तर पर निंदा हो रही है। गुरुवार को नागपुर में भी संविधान चौक पर कुछ संगठनों ने अमेरिका के खिलाफ प्रदर्शन किया। संगठनों ने मांग की कि देवयानी के खिलाफ दर्ज मामले तत्काल वापस लिए जाए। द स्टूडेंट काउंसिल ऑफ पाली एंड बुद्धिस्ट स्टडीज, पाली प्राध्यापक परिषद और अन्य आम्बेडकरी संगठनों ने संयुक्त तत्वावधान में विरोध प्रदर्शन हुआ। देवयानी खोबरागड़े जे आहेत, ज्या अमेरिकेमध्ये उच्च आयुक्त आहेत आणि त्या मुलींना शाळेमध्ये सोडून देत असताना त्यांना हातकडी लावली आणि विवस्त्र करून त्यांचे कपडे काढून त्यांची तपासणी केलेली आहे। हा भारतातील एका स्त्रीवर केलेला अन्याय आहे आणि त्यासाठी म्हणून आम्ही नागपूरमध्ये आज त्यांच्या अमेरिकेचा आम्ही निषेध करीत आहोत आणि त्याच्यावर त्यांच्यावरती लावलेल्या ज्या काही कलमा आहेत त्या कलमा मागे घेण्यात याव्या, यासाठी आज आम्ही या ठिकाणी आम्ही निषेध करीत आहोत। संघटनों ने आरोप लगाया कि जानबूझकर देवयानी को फंसाया गया है। संबंधित मांगों को लेकर एक ज्ञापन अमेरिका के वकील को भेजा गया। गणे ह्या भारतीय राजदूत म्हणून अमेरिकेसाठी भारताकडून काम करत होत्या आणि अतिशय प्राचीन काळापासून जो महिलांवर अन्याय होतो असं दिसते, तर आमचं असं म्हणणं आहे की अमेरिकेसारख्या प्रगत देशात सुद्धा स्त्रियांची अशा प्रकारे नालस्ती केली जाते, त्यांचा अपमान केला जातो, बेइज्जती केली जाते, तर हे भारतीय स्त्रिया आता आंबेडकरी विचारानं प्रवृत्त झालेल्या आहेत, त्या कदापि सहन करणार नाही। म्हणून आम्ही देवयानी खोबरागडेच्या ह्या विकृती अशा अमेरिकेनं केलेल्या कार्याचा निषेध करत आहोत। डॉक्टर मालती साहेब। आंदोलन के दौरान डॉक्टर भालचंद्र खांडेकर, डॉक्टर प्रदीप आगलावे, प्राध्यापक मालती बोदोले, डॉक्टर शंकर खोबरागड़े आदि उपस्थित थे। कैमरामैन जितेंद्र खापरे के साथ पंकज पांडे, एनबीसी न्यूज, नागपुर। हुड़केशा पुलिस स्टेशन में युवा सेना अध्यक्ष हितेश यादव के साथ कथित रूप से मारपीट करने वाले पुलिस निरीक्षक शिंदे के खिलाफ 48 घंटों में कार्रवाई करने की मांग को लेकर युवा सेना और शिवसेना कार्यकर्ताओं द्वारा पुलिस आयुक्त के पाठक को ज्ञापन सौंपा गया है। अगर कार्रवाई नहीं होती है तो शिवसेना पैटर्न में कार्रवाई की जाएगी, ऐसी चेतावनी भी दी गई है। युवा सेना के जिला अध्यक्ष हितेश यादव की कथित तौर पर पिटाई करने वाले हुड़केश्वर के दुय्यम पुलिस निरीक्षक सुरेश शिंदे को निलंबित करने की मांग को लेकर शिवसेना नेताओं ने पुलिस आयुक्त के पाठक को ज्ञापन सौंपा। आयुक्त ने डीसीपी के मार्फत मामले की जांच कर समुचित कार्रवाई करने का आश्वासन प्रतिनिधि मंडल को दिया। सीपी पाठक से चर्चा के दौरान आयुक्तालय के बाहर गुस्साए शिव सैनिकों ने पुलिस के खिलाफ जोरदार नारेबाजी भी की। इसके पूर्व शिव सैनिकों ने हुड़केश्वर थाने का भी घेराव किया था। कल हमारे माननीय जिला प्रमुख हितेश यादव जी, इनको हुड़केश्वर थाना के सेकंड पीआई श्री शिंदे जी ने जो महारान की, इसके उपलक्ष्य में आज हम लोगों ने सीपी साहब को ज्ञापन दिया और युवा सेना के सभी कार्यकर्ताओं ने और सभी पदाधिकारियों ने मिलकर आज उनका घेराव किया और सीपी साहब ने हमें आश्वासन दिया है कि 48 आवर्स के अंदर किसी भी तरीके से शिंदे के ऊपर कार्रवाई होगी और हम लोगों ने उनको कहा है कि यदि 48 घंटे के अंदर कार्रवाई नहीं हुई तो युवा सेना अपने तरीके से शिवसेना स्टाइल में तीव्र आंदोलन करेगी और जिसका पूरा जो जिम्मा रहेगा।